दोस्तों यहाँ पे राइट में दक्षिणेश्वर काली मंदिर है जो कि बहुत फेमस है। दोस्तों ये जो आप हाईवे देख रहे हैं वही आगे भुवनेश्वर पुरी और चेन्नई को भी कनेक्ट करता है। तो जितना भी साउथ डायरेक्शन है इसी हाईवे से लोग कोलकाता से ट्रैवल करते हैं। तो ये हाईवे जो है यहाँ तक अभी हम जा रहे हैं बहुत अच्छा बना हुआ था टिल कोलाघाट से, फिर हम आगे राइट टर्न लेंगे। कोलकाता से कोलाघाट आप अराउंड 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, 1 से 1.5 लगभग। ये जो आप देख सकते हैं कोलाघाट के बाद जो 6 लेन हाईवे था वो 4 लेन हो चुका है और नंद कुमार के बाद ये रास्ता 2 जगहों में कट जाता है, एक जाता है हल्दिया में और एक जाता है दीघा की तरफ। तो आप देख सकते हैं अब ये रोड सिर्फ 1 वे हो गया है। दोस्तों मंदिर मणि के साथ साथ यहाँ पे ताजपुर भी है, तो अगर आप वहाँ भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं।
दोस्तों ये ओल्ड दीघा है, तो हम इस वीडियो में न्यू दीघा बीच कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और आनंद लेते रहिए सफर का। ये जो आप देख रहे हैं ये लाइंस हैं, ये हल्दिया पोर्ट पे जा रही है सारी शिप जो है। ब्यूटीफुल बताइएगा कैसा लगा आपको ये सब दीघा बीच और यहाँ का रूट। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई डेफिनेटली रेकमेंड यू कि आप यहाँ विज़िट करें और देखिए नज़ारा थोड़ा और देखिए। ये भी अच्छी बात है, वाटर स्पोर्ट्स भी है यहाँ पर, सब तरीके का है। और बीच के सामने ही आपको होटल्स मिल जाएंगे, तो आप बीच साइड भी होटल्स ले सकते हैं, वहाँ से आपका व्यू पूरा क्लियर मिलेगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस जगह पे आएँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा वाटर स्पोर्ट भी है, एक्टिविटीज़ भी है, रौनक भी है। तो कोलकाता से ये अराउंड 3.5 to 4 hours की जर्नी है, तो आप बाय टैक्सी भी आ सकते हैं, बस सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं यहाँ से। और अगर आपको होटल चाहिए वो तो आपको सामने मैं दिखा ही चुका हूँ कि सामने पूरा होटल की लाइन है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो एंजॉय द ट्रिप।
हाई टाइड हो चुकी है, यहाँ पे यहाँ तक पानी आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आओ यार, मम्मा यहाँ से आओ। तो आप देख सकते हैं पानी कहाँ तक आ गया। तो नाउ द हाई टाइड हैज बिकम, हैव अ लुक। দেখো আপনার যেটা ভালো লাগে ঘোড়া দেখে কোনো গাড়ি আছে যেটা ভালো লাগে দেখতে, কালার দেখে তো মন্দিরে কেমন কালার দেখো, না কালার দেখো পছন্দ যেটা সেটা তো মজা। ਸਪੀਕਰਾਂ ਚ ਮੱਝ ਦੇ ਬਰਾ।